हेलो, वेलकम टू माय 28th वीडियो। और ये मेरे ब्लॉग का पार्ट 2 है, तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा जाके देखा हो, मैं यहाँ कहीं तो लिंक डाल दूँगी और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो जाके पहले देख लो। आज मैं आई हूँ बाहर खाने, आज मेरा बर्थडे है तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने आई हूँ। अहमदाबाद आश्रम रोड पे एक प्रेजेंट रोड करके जगह है, वहाँ पे हम लोग खाने आए हैं। मुझे एक्चुअली बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आराम से मैं खा लेती हूँ फिर आगे की बात करते हैं। चलो, हम लोग ना मिडिल क्लास फूडी लोग हैं, तो हम लोग ऐसे पार्टी करने कैफे वैफे नहीं जाते। महंगे कैफे वो क्या होता है, हम लोग आते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे अनलिमिटेड फूड मिलता हो। हम लोग ठूस पाए सही से, हमें कोई फोटो वोटो कोई स्टोरी वोरी कुछ नहीं करना, हमें बस खाना है। मन चाह सूप, मान चाओ सूप। हंसने का भी वो नहीं है अभी पेट में ये वाला मत यार, ना जाओ यार। एक नेक्स्ट लेवल वस्तु को मुंह है, नहीं वो गवाए मुझे प्लीज, नहीं नहीं सांभर सांभर ना सांभर स्प्राइट पी। ये मजदूर के हाथ है, ये मुखबंगर के हाथ है, ये हाथ ऐसे ऐसे करके बने मजबूत हुए। सलाड खा के बता एड कर खादा है ऊपर थी जाते जाते नीचे थी भी आवाज भी हवा निकला तो केव था तो इतने सेटिस्फाइड लागे मना मैम ऊपर ठीक खराब सुख हो ठीक साथ ठीक साथ है जाने ऊपर ऊपर ठीक साथ है निकला ना तो खबर भी ना पड़ा क मावो निकलवाने तो खाली हवा निकल पहले वीडियो दे निकली क्या भाई गो कुत्रा वाला कुत्रा वस्तु है पातल नहीं वस्तु खड़े होने के बाद फील हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही खा लिया अब। मेरे कान के पर्दे फट गए, पुलिस ने इतना काट ना क्यों आना जीव चिल्ला होती थी बाजू वाला आए तो नहीं रुपया आप ही देता है भरी थी भरी थी कॉपी राइट लागत अरे यार का यार तो आ गए मैं घर और इतने ज्यादा खा लिया था हमने कि मेरे को इतनी बुरी वाली नींद आ रही है तो जो लोग फूडी होंगे ना वो लोग समझ पाएंगे कि दिमाग पे कार्ब्स चढ़ जाते हैं ना तो कैसी नींद आती है। मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ पहले, फिर उठ के बात करती हूँ। हेलो, तो मैं सो के उठ गई हूँ और उठ के मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई, मैंने अपना मेकअप भी कर लिया और अभी मैं जा रही हूँ एक और जगह पे, लेकिन उसके पहले मेरे को एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करनी थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मसल ब्लेज अपना नया क्रिएटिन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है क्रीएम। इसमें आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल जाएगा। अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च होना बाकी है, लेकिन जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक तो शायद लॉन्च हो चुका होगा। तो
आज तो वैसे मेरा चीट डे है, लेकिन मैं क्रिएटिन लेना कभी मिस नहीं करती। ये शायद मैं रात को प्रोटीन के साथ ले लूंगी। अगर तुम लोग क्रिएटिन नहीं लेते हो तो अभी अपने डाइट में ऐड करो, बिकॉज आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज मिलेगा अपने फिजिक में। ये प्रोडक्ट लेना चाहो तो मसल बेस से ले सकते हो, मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके ईशानी MB ISHANI MB, और उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो खरीद लो। तो अभी हम लोग एक और जगह पे जा रहे हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी कि कहाँ। तो जाती हूँ मैं, अपने दोस्तों को भी पिक करना है, तो मैं थोड़ा सा लेट ना हो जाऊं। तो मैं अभी इसको लेने आई थी और यार एनिमल लवर हाँ एनिमल लवर मैं कितनी जोर थी ऐसा है कान में सुन थी। मैं भी इसको लेने आई थी और हम यहाँ से एक और जगह पे जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो मैंने तुम लोग को बताया था कि क्रिएटिन क्यों जरूरी है, दिखाती हूँ। इसीलिए जरूरी है पिकाचू राइचू हो जाता है, ये पिकाचू ऑन क्रिएटिन क्रीम खरीद लेना ईशानी MB। मेरी गाड़ी में एक वस्तु खबर पड़ी नवी, बताऊं तेरे बताओ बाकी કોઈ ભી ખોલી ના શકે, પણ કી હોવી જોઈએ, મોંઘી ગાડી લીધી આવા ફીચર ખબર નહી ફાયદો। आप जब तक रेडी कर पाओ जाएगा 5 बजे। अभी कुछ पे करना है कि आके करे जीगली पॉप जीगली का चीनू लगायो छे हवे तो चिकली नहीं क्या बस चिकली बगा के गीत गाइन में उंगाड़ी होय ना ए उंगाई हां बस आई गयो ला बाइक लेने आयो गोड़ो गाड़ी छे भाई आपड़ा पास हवे નાનું છે કે શું ગાડી નું ઉપર નું મોટી ગાડી છે ફેન્સી ગાડી છે યશલા એક વસ્તુ ખબર પડી ચાવી ઓલું જે ચાવી નું આપણે બટન દબાવીને જે લોક અનલોક કરીએ ને અહીંયા બહાર એક બટન આપ્યું છે હલો આપ્યું છે ને મને નથી ખબર જે દિવસે આપણે ગાડી શોરૂમ થી લઈને અમે એ રીતે તેનાથી લોક કર્યું હા મને કાલે ખબર પડી યાર અહીંયા બટન આપ્યું બહાર હેન્ડલ પર એ 45 સેકન્ડ બાકી છે નહીં કરવાનું ઈશાને તું સમજતી નહી બ્રો બધું લેના ના દેના ગાડીમાં બીક ના લાગે એ પથ્થર મારીને ભાગી જશે ને તો પછી ટાટા છે તો તારી ટાટા થઈ જશે ટાટા ગાડી ખબર છે છે છુટ્ટા કેશ લા બાકી લામ ભૂલી ગયો યાર મેં તને કીધું તું થોડા સિક્કા રાખ સ્કેનર મોકલ એ અડધામ જતી રહી હવે ક્યાં અંદર
ગુસ્સો આવી ગયો બાપડા ને. તાલુ કોઈ શું કર્યું જો, અને સંબંધીઓ શું કર્યું જો. हेलो हेलो हेलो. तो काम हो गया खत्म और दोस्तों को भी मैंने अपने ड्रॉप कर दिया. अब आराम से बात करते हैं, फोन सेट कर लेती हूँ. रुको, मैं थोड़े टाइम पहले मम्मी से भी बात कर रही थी कि इस बार ना मेरे बर्थडे पे मेरे को बस ऐसे लोगों को खाना खिलाना है. तो मम्मी ने भी बोला कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तू ये चीज कर रही है ना तो इसको शूट उट मत कर, क्योंकि ये चीज हमेशा प्राइवेटली की जाती है, जो कि सही पॉइंट है. लेकिन फिर क्या है पता है कि मैं भी किसी ना किसी का देख के इंस्पायर हुई हूँ. तो ये वीडियो बना के पोस्ट करने का मेरा एक ही मोटिव है कि अगर कोई ऐसे सोच के बैठा है ना कि मेरे को ये चीज करनी है लेकिन उनको पुश नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो उनके लिए सिर्फ एक पुश है. मेरा वीडियो देख के कोई इंस्पायर होके ये चीज करेगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और थोड़े बहुत ब्लेसिंग्स मुझे भी मिलेंगे. एंड में मेरे को यही बोलना है कि अगर कोई ऐसा सोच के बैठा है ना कि ये चीज करनी है करनी है करनी है, कर दो लिटरली. मेरे को एकदम अजीब सा ही फील हो रहा है, मतलब मैं उसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग है. और मैं ये बोल रही थी ना कि हर चीज़ का एक स्टार्ट होता है, मेरा स्टार्ट हो गया. अब मैं बार बार पोस्ट नहीं करूँगी लेकिन मैं दिल से ये चीज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो आफ्टर फीलिंग है ना वो मज़ा आ रहा है मुझे. तो बस आज के वीडियो में इतना ही. अभी पूरा दिन मैंने बहुत शूट कर लिया, अब रात को मेरे कजिन्स आएंगे मुझसे मिलने. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो शूट करूँगी और फुटेज थोड़ी पीछे डाल दूँगी, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा इन्जॉय करूँ, उनके साथ रहूँ, टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि जनरली शूट करने में मेरे को लोड आ जाता है. तो बस आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.